उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार ने उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है जो यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विज्ञापन प्राप्त करेंगे। सरकारी योजनाओं, पहलों और परियोजनाओं को साझा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इन इन्फ्लुएंसर्स को विज्ञापन दिए जाएंगे। इन नीति के लागू होने के बाद इन्फ्लुएंसर्स 8 लाख रुपये कमा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि अगर सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में कंटेंट, ट्वीट, वीडियो, पोस्ट, रील बनाने और प्रदर्शित करने के लिए एजेंसियों, फर्मों को विज्ञापन देने के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है। 4 कैटेगरी में सूचीबद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से विभाग ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एजेंसियों और फर्मों को 4 कैटेगरी में सूचीबद्ध किया है। इन कैटेगरीज के आधार पर उन्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए पेमेंट किया जाएगा। कितने मिलेंगे पैसे, एक नज़र खास इस पर। इन इन्फ्लुएंसर्स को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट के लिए अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। वहीं YouTube वीडियो, शॉर्ट और पॉडकास्ट के इन 4 कैटेगरीज के इन्फ्लुएंसर्स प्रतिमाह 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख तक कमा सकते हैं। सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित करना है। इसमें आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट को संबोधित करने के लिए दिशा निर्देश भी शामिल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार नई नीति में राष्ट्र विरोधी कंटेंट को एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मानहानि कारक और अश्लील कंटेंट भी दंडनीय होगा। यूट्यूब चैनल की खास अपडेट आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया पे। खास तस्वीरें इस वक्त के लिए।